नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। फलक परिवार हर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाता है और लाता है उस पर्व विशेष की अनेक रंगारंग कहानियाँ। इसी श्रृंखला में मैं मधु मिश्रा आज आपको दीपावली विशेष कहानी सुनाऊंगी। इसके पूर्व पूरे फलक परिवार को और आप सभी सुनने वालों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती सदा आप पर प्रसन्न रहें। तो आइए सुनते हैं मेरी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है बड़ी भाभी। महाराज जी, आज धनतेरस है, लग रहा है पूरा घर सूना है। बड़की भौजी, हमको तो लग रहा था कि पूजा करेंगी, पर नहीं, उन्हें तो गुस्सा खाया जा रहा है। अरे भगवान से काहे का गुस्सा? चुप रहो महाराजिन, बड़ी भौजी ने अगर सुन लिया तो बवाल हो जाएगा, महाराज ने चुप कराते हुए अपनी पत्नी से कहा। पर महाराजिन तो बिना किसी चिंता के कहने लगी, बवाल हो तो हो, हमें परवाह नहीं। आप भी देख रहे हैं, पूरा जीवन हमारा यहाँ बीत गया, पर यह पहली बार है दिवाली सूनी सूनी लग रही है। साल के सारे त्योहार पूरा परिवार कितने धूमधाम से मनाता था, अरे ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, खुद ही बड़की भौजी सबको बुला लेती तो नहीं होता क्या? जब से सब लोग गए हैं, ये मुआ फोन भी मौन व्रत किया हुआ है, मजाल है कि बच जाए। हमारी तो हिम्मत नहीं होती, नहीं तो हम ही सबको बुला लेते। अरे दिवाली की रौनक जैसी हमारी हवेली में होती थी, इस इलाके में कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। बरामदे में लेटी बड़ी भाभी महाराजिन की सब बातें सुन रही थी, पर अब किसी बवाल का तो सवाल ही नहीं था। पल पल वो पश्चाताप में जी रही थी कि काश मैं जोर से न चिल्लाती तो मंजली भी जवाब नहीं देती। पता नहीं क्या हो गया था मुझे भी, और महाराजिन भी तो सच कह रही है, दिवाली का त्योहार कैसे मनाएंगे हम अकेले, कल्पना करना भी मुश्किल है। परिवार के साथ बिताए हर पल पन्ने की तरह पलटते हुए याद आने लगे। दिवाली में हमारी हवेली के रंग रोगन के लिए महीना भर लग जाता था, और मंजली को बाजार की जिम्मेदारी रहती थी। हम सबकी साड़ियाँ, बड़े और बच्चों के कपड़े, पंडित जी नौकरों के कपड़े, नए पर्दे, सोफा कवर, पटाखे, दिए आदि आदि, और छोटी की जिम्मेदारी घर की सजावट, पूजा की तैयारी, कहाँ फूलों की रंगोली बनेगी, कहाँ रंगों वाली रंगोली बनेगी। रंगोली, वाह कितनी सुंदर रंगोली बनाती है हमारी छोटी। हवेली में जो लोग भी आते उसकी रंगोली की फोटो खींच कर ले जाना तो पक्का है। देवर, देवर और बच्चों की जिम्मेदारी, हवेली की लाइटिंग, और ये और अम्मा तो कब क्या पूजा होगी, कहीं कोई कसर न रह जाए, इसका प्रबंध करते। और मिठाइयों की जिम्मेदारी, मिठाइयां तो मैं ही बनाती, पर अब क्या वो दिन वापस नहीं आएंगे? सब मेरा ही कसूर था। और राखी के दिन की वो घटना बड़ी भाभी याद करने लगी। यही तो वो दिन था जब मेरी काली जबान चली और मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। उस दिन राखी बांधने के बाद दोनों नंदे, नंदोई और मंजली तथा छोटी के भाई और बच्चे सभी खाना खाने के बाद हंसी मजाक और बातों में व्यस्त हो चुके थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, तभी कुछ मेहमान आ गए। उनका खाना पीना कराने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस दिन सुबह से ही खाना बनाना और पूजा का काम करते हुए मैं थक गई थी। हालांकि छोटी और मंजली बराबर मेरी मदद कर रही थी। खैर, थकावट की वजह से मैंने मंजली से कहा, मंजली तुम खाना खिला देना, मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने हाँ कहा और मैं आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद ये पुनः आए और कहने लगे, अरे चलो भाई खाना परोस दो।
मैं हठात उठी और किचन की तरफ गई। वहां न तो छोटी थी न मंझली, पता नहीं कैसे मेरा पारा हाई हो गया और मैंने बड़बड़ाते हुए खाना गर्म किया, थोड़ा पुलाव चढ़ाया और डाइनिंग टेबल में थाली लगाकर प्लेटों में मिठाई सजाई और फिर पूड़ी बेलने लगी और फिर चिड़चिड़ाने लगी। अरे बोलने के बाद भी किसी का पता नहीं है, जैसे मेरा ही ठेका है। पर अब तो किसी को नहीं बोलूंगी, जाए भाड़ में सब लोग। पीछे से मंजली और छोटी ने आकर मेरी बातों को सुन लिया और कहने लगी, दीदी ऐसी खड़बी बातें क्यों कह रही हो, हम लोग तो आ ही रहे थे, तुरंत नहीं आ पाए क्योंकि बड़े नंदोई गाना गाने लगे थे, पर अब आप जाइए, बाकी का काम हम लोग देख लेंगे ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ ना आके। यदि आप उनकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि मैंने चिल्ला कर कहा, बार बार नहीं बोलना है मुझे किसी से, मैं तो कड़वा बोलती हूँ ना, जिसे मेरी सुनना है वो सुने वरना यहाँ से जा सकता है, दरवाज़ा खुला है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, इसलिए वे दोनों खामोश हो गई और चुपचाप ही मेहमानों को खाना पीना निपटा कर अपने कमरों में चली गई। पर इस घटना के बाद सब कुछ खामोश हो गया, घर में हर तरफ मौन पसर गया। दूसरे दिन भी नंदे जब वापस ससुराल गई तो उनकी भी विदाई मौन रही। घर में अब काम हो तो रहे थे पर मौन चुपचाप, खाना बनता, सब खाते और अपने अपने कमरे में चले जाते। आखिरकार 3-4 दिन बाद सुबह सुबह मंझली, छोटी दोनों देवर और बच्चे मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरे पैर छूते हुए कहा, दीदी हम लोग फार्म हाउस वाले घर जा रहे हैं। मैंने ये सुना लेकिन निर्विकार रही और वो सब चले गए। बाद में पता चला अम्मा भी उनके साथ ही चली गई। वो दिन और आज का दिन महीनों बीत गए पर लग रहा है जैसे बरसों बीत गए हों। उस दिन के पास से तो मुझे किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। बरसों हो गए जब से मैं यहाँ ब्याह के आई। अम्मा भी हमेशा मेरे फैसले पर सहमत रहती और देवर देवरानी तथा बच्चे भी सबके मान सम्मान का ख्याल रखते। हमारी मंझली ने MSc किया है और छोटी भी MBA है, पर कभी भी उन्होंने ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं की। उस दिन भी एक शब्द ही तो मंझली ने कहा, और गलत क्या था, आग बबूला तो मैं ही हुई थी। पर अब लगता है उनकी जगह कोई और होता तो शायद बवाल हो गया होता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने ही धैर्य खोकर सब कुछ खो दिया। अब क्या करूं हे भगवान, क्या आप कोई वापस नहीं आएंगे, मैं अकेली ही रह जाऊंगी। हाँ ठीक ही हुआ है मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए, कहते हुए बड़ी भाभी बेचैनी में बार बार करवटी बदलने लगी। तभी अचानक किसी ने उनके पैर छुए तो वो हड़बड़ा कर बैठ गई और उन्होंने देखा सामने दोनों देवर देवरानी और बच्चे तथा अम्मा जी खड़ी हैं। पूरे परिवार को देखकर बड़ी भाभी फूट फूट कर रोने लगी। तभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, बड़ी मम्मी हम लोग दिवाली मनाने आए हैं। बड़ी भाभी ने चिल्लाकर कहा, दिवाली मनाने आए हैं से क्या मतलब है तुम्हारा, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, समझ में आया। ये सुनते ही सबकी आंखें भर आई। तभी चिंतित होकर बड़ी भाभी ने कहा, अरे इतना लेट आए हो तुम लोग, दिवाली की तैयारी कैसे होगी, आज धनतेरस हो गया। तो मंझली ने कहा, दीदी आप चिंता ना करें, कपड़े पटाखे पूजा का सामान मिठाई बनाने का सामान दिए सभी खरीदे जा चुके हैं, पर एक बात कहें, मिठाई वो तो आपको ही बनानी पड़ेगी क्योंकि जब से हम लोग यहाँ से गए हैं ना दीदी, किसी को हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो मिठाई कैसे पसंद करेंगे, और अम्मा भी रोज आपके खाने का याद करके कहती हैं, बड़ी के जैसे खाना कोई नहीं बना सकता। ये सुनते ही बड़ी भाभी को अचानक कहाँ से ताकत आ गई, तुरंत बिस्तर से वो उठी और उन्होंने अम्मा के पैर छुए, फिर सीधे किचन में पहुंच गई और महाराजिन के साथ फटाफट खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी मंझली किचन में पूजा की थाली लेकर पहुंची और कहने लगी, दीदी खाना बाद में बनेगा,
पहले आप मुख्य द्वार में दीप पूजन कर दीजिए और फिर कुबेर जी की पूजा भी तो धनतेरस के दिन आप विधि पूर्वक करती हैं ना। अरे हाँ रे, चल पहले बाहर जला देते हैं दिया, कहते हुए बड़ी भाभी मंजली के साथ मुख्य द्वार की तरफ जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा आंगन में छोटी बहू रंगोली बना रही है, देवर लोग लाइट फिटिंग में व्यस्त हैं और ये अम्मा के साथ पूजा की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं। मुख्य द्वार में छोटी ने जो रंगोली बना दी उसमें मैंने थोड़ा सा धान रखा और एक बड़ा सा दिया जलाया। उस दीप की पूजा करके प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, माँ आपको मेरे परिवार की तरफ से मैं ये दीप का दान कर रही हूँ। आज आपकी दया से जो मुझे सुख मिला है ना, उससे बड़ा तो कोई उपहार हो ही नहीं सकता। इस बार मेरे परिवार ने मुझे माफ कर दिया है माँ, पर आगे ऐसा कुछ भी ना हो, मेरे परिवार की सुख समृद्धि और प्यार को सदैव क्षुण बनाए रखना। ये कहते ही बड़ी भाभी ने देखा घर में छोटी लाइट की लड़ियों से घर रोशन हो गया। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा से मेरी लिखी कहानी बड़ी भाभी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।